वेल डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, सेठ आर एन लोहिया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया हुआ है एल्कोहल्स, राइट? दिस इज द 14th पार्ट, ये इसका 14th भाग है। बच्चों, हमने स्टार्ट किया था 13th पार्ट में डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, यानी प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में विभेद, ये हमने स्टार्ट किया था। तो बेटा, पहले मैंने 13th पार्ट के अंदर एक टेस्ट बताया था, दैट इज विक्टर मेयर टेस्ट। और विक्टर मेयर टेस्ट में हमने देखा था कि किस तरह से प्राइमरी अल्कोहल रेड कलर देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर देते हैं और टर्शियरी अल्कोहल किसी प्रकार का कलर नहीं देते हैं। नाउ वी स्टार्ट सेकेंड टेस्ट टू डिस्टिंक्ट, विभेद करने के लिए दूसरा परीक्षण यहां पर बच्चों, यह है ल्यूकास टेस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है, ल्यूकास रिएजेंट होता है, वो क्या होता है? एचसीएल एंड जिंक क्लोराइड का मिक्सचर इज द ल्यूकास रिएजेंट, राइट? बच्चों, ये रिएजेंट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल के साथ अलग अलग वेग से अभिक्रिया करता है, राइट? मैं आपको बताऊं बच्चों, यहां पर एल्कोहल की ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन, तो यहां पर मिल्कीनेस, टर्बिडिटी तुरंत आती है और ये टर्बिडिटी होती है एल्किल हैलाइड की वजह से। मैं आगे आपको इसको बताऊंगा कि किस तरह से ये होता है। बच्चों, यहां पर देखिए कि प्राइमरी अल्कोहल, सी यहां पर बच्चों, मैंने उल्टा बता दिया, यहां पर देखिए बेटा कि अल्कोहल की ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन, राइट? यहां पर टर्शियरी अल्कोहल तुरंत दूधियापन देता है, सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट के बाद दूधिया रंग देता है, जबकि प्राइमरी अल्कोहल कोई दूधियापन नहीं देता है। देखो, हम इसे देखते हैं यहां पर बेटा कि 6 कार्बन तक के अल्कोहल्स एचसीएल में सॉल्युबल होते हैं, राइट? जैसे हम कहें मीथेनोल, इथेनोल, प्रोपेनोल, ब्यूटेनोल, पेंटेनोल एंड हेक्सेनोल, 6 कार्बन तक के अल्कोहल एचसीएल में सॉल्युबल होते हैं, जबकि इसके होमोलोग क्लोराइड, बेटा देखो, जिनकी वजह से एल्किल हैलाइड्स, जिनकी वजह से इनमें दूधिया रंग आता है। तो बच्चों, यहां पर इनके जो संगत क्लोराइड्स होते हैं ये संगत क्लोराइड एचसीएल में सॉल्युबल नहीं होते हैं, अतः ल्यूकास रिएजेंट में एल्कोहल डालने पर एल्काइल हैलाइड बनने के कारण यहां पर दूधिया रंग आता है। देखो बेटा, ऐसा है कि हमने एल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट के साथ कराते हैं, हम क्या देखते हैं कि टर्शियरी एल्कोहल तुरंत दूधिया रंग देते हैं, तो यहां पर क्या बनता है? एल्किल हैलाइड, टर्शियरी एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। हमने ल्यूकास रिएजेंट में क्या लिया है? HCl एंड ZnCl2, राइट? दूसरा इसमें क्या है कि जब सेकेंडरी अल्कोहल
हम ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट 5 मिनट के बाद, 4 से 5 मिनट के बाद ये मिल्कीनेस दूधियापन इसमें आता है। ये दूधियापन किसकी वजह से आता है? एल्कीन क्लोराइड की वजह से, राइट बच्चों? सेकेंडरी एल्कोहल का मतलब हम कह सकते हैं 2-प्रोपेनोल, राइट? और 2-प्रोपेनोल क्या बनाएगा? आइसोप्रोपिल आयोडाइड, आइसोप्रोपिल एल्कोहल देन आइसोप्रोपिल आयोडाइड। तो यहां पर ये 5 मिनट के बाद आता है, लेकिन हम देखते क्या है कि प्राइमरी एल्कोहल कोई दूधियापन नहीं आता है। या फिर मैं आपको बता दूं बच्चों कि लैब में ये टेस्ट मैंने करके देखा है, करीब 1.5 घंटे के बाद, 1 से 1.5 घंटे के बाद उसमें कुछ लाइट टर्बिडिटी आनी स्टार्ट होती है, लेकिन हम ल्यूकास रिएजेंट से ये पता लगा सकते हैं कि इमीडिएटली मिल्कीनेस इज द टर्शियरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कीन हैलाइड। और अगर आफ्टर 5 मिनट्स 5 मिनट के बाद दूधियापन आता है तो यह है सेकेंडरी एल्कोहल। और अगर ये मिल्कीनेस यहां पर नहीं आती है या 1-1.5 घंटे के बाद आता है तो इसका मतलब यहां पर प्राइमरी एल्कोहल। बच्चों ल्यूकास रिएजेंट को, ल्यूकास रिएजेंट जिंक क्लोराइड एंड एचसीएल, इस मिक्सचर को एल्कोहल में मिक्स करने पर एल्किल हैलाइड बनने के कारण यह दूधिया रंग आता है। हम जिस प्रकार का एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल, हम जिस प्रकार का एल्किल हैलाइड यहां पर काम में लेंगे उसी तरह का यहां पर हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। और यहां पर हम समय के हिसाब से इस बात को हम पता लगाते हैं कि या तो एल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है, क्लियर? तो यहां पर एल्कोहल की रिएक्शन एचसीएल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, राइट? देखो बेटा ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर, राइट? और देखो बेटा SN1 रिएक्शन इज द 2-स्टेप प्रोसेस। मैंने हमेशा आपको ये कहा है क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो हमेशा इसमें SN1 को SN2 लिखता था, SN2 को SN1 लिखता था, इसलिए इसका मैंने एक परफेक्शन कर रखा है। SN1 इज द 2-स्टेप प्रोसेस। और बच्चों जहां पर 2-स्टेप प्रोसेस होगा वहां पर कार्बोनियम आयन बनेगा, राइट? और SN2 रिएक्शन इज द 1-स्टेप प्रोसेस, वहां पर कार्बोनियम आयन फॉर्म नहीं होगा, वहां पर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसका इन्वर्जन होगा, प्रतिपन होगा। तो SN1 मैकेनिज्म से संपन्न होती है जिनमें कार्बोनियम आयन बनते हैं। देखो बेटा एल्कोहल हम यहां पर HCl एंड ZnCl2, सबसे पहले प्रोटोनेशन, देन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लाइक दिस एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम। नाउ दिस कार्बोनियम आयन रिएक्ट विथ Cl- एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, करेक्ट? एक बड़ा बड़ी एक यू नो हम एक हमारी बड़ी एक क्लियर कंसेप्ट है कि कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। टर्शियरी कार्बोनियम आयन इज मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, देन प्राइमरी कार्बोनियम आयन। हम क्या कह सकते हैं इसमें सबसे अधिक स्थाई टर्शियरी कार्बोनियम आयन होता है, जबकि सबसे कम स्टेबल प्राइमरी कार्बोनियम आयन होता है, राइट? इसलिए बच्चों टर्शियरी एल्कोहल्स तुरंत रिएक्शन करते हैं जबकि सेकेंडरी एल्कोहल 5 मिनट के बाद करते हैं, और प्राइमरी एल्कोहल सबसे कम स्टेबल कार्बोनियम आयन आता है। यहां पर बच्चों या तो रिएक्शन नहीं करता है या फिर आइदर 1 आवर और 1.5 आवर, 1 से 1.5 घंटे में इसमें मिल्की रंग आता है, राइट? तो बच्चों यहां एल्कोहल की रिएक्टिविटी का वेग भी इसी क्रम में होता है। जैसे मैंने कहा प्राइमरी एल्कोहल से बना प्राइमरी कार्बोनियम आयन मोस्ट स्टेबल, इट विल रिएक्ट इमीडिएटली, देन सेकेंडरी एल्कोहल 5 मिनट्स, देन प्राइमरी एल्कोहल
कोई दुनियापन नहीं आता, या फिर एक से डेढ़ घंटे में इसमें मिल्कीनेस आती है। सो दिस इज द ल्यूकास टेस्ट। और मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, मैं जब भी एमएससी के बाद जॉब्स के इंटरव्यू में जाता था, इंडो जिंक लिमिटेड, इस्नोसेम इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर, एंड यू नो नंबर ऑफ यू नो ड्रग्स की जो थी, जैसे एटीएस फार्मास्यूटिकल्स, डाबर, एशियन पेंट्स, सब जगह पर इस तरह के सब, व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट, दैट इज जिंक क्लोराइड एंड एचसीएल, एंड हाउ इट रिएक्ट विद द प्राइमरी अल्कोहल, विक्टर मेयर टेस्ट। मैंने आपको इससे पहले बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फाइलिंग सॉल्यूशन, टॉलिंग सॉल्यूशन, शिस रिएजेंट, बहुत सारे मैंने आपको बताए हैं। ये बड़े कॉमन सवाल होते हैं बच्चों, है ना, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो टेस्ट है, ये हमने बीएससी पार्ट सेकंड की हमारी क्लास है, तो बड़ी क्लास होने से दिस इज द 14th क्लास। आप लोग 12th क्लास के अंदर थोड़ा इसे शॉर्ट में पढ़ते हैं, सिंपल इसी को पढ़ते हैं आप, राइट। लेकिन मैंने इसको क्लास के हिसाब से और आपके सिलेबस के हिसाब से मैंने इसको कंप्लीट एक्सप्लेन यहां पर किया है, राइट। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट टेस्ट, अगला परीक्षण, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल के विभेद करने के, हाउ वी डिस्टिंग्विश कि विच वन इज प्राइमरी, विच वन इज सेकेंडरी एंड विच वन इज टर्शरी, राइट। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन टेस्ट। बच्चों इस मेथड में विभिन्न अल्कोहल से मतलब है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, इनका हम क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन, और जो प्रोडक्ट बनता है उसका एनालिसिस करके हम अल्कोहल की पहचान करते हैं, करेक्ट। यानी ऑक्सीडेशन टेस्ट में हम विभिन्न अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तीनों अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करा करके जो प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट के आधार पर, राइट, जो हमारा उत्पाद बनता है उसके आधार पर हम इस बात का निर्धारण करते हैं कि आइदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल, करेक्ट। तो नंबर वन बच्चों प्राइमरी अल्कोहल, बहुत आसानी से इनका ऑक्सीडेशन होता है, राइट, इमीडिएटली ऑक्सीडाइज्ड। और यहां पर क्या होता है, जितने कार्बन प्राइमरी अल्कोहल में होते हैं उतने ही कार्बन वाला एल्डिहाइड बनता है, और बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है बच्चों, सी यहां पर डीहाइड ऑक्सीडेशन हो गया एंड रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो यहां पर जितने कार्बन वाला एल्कोहल होता है उतने ही कार्बन वाला एल्डिहाइड बनता है, और इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर के सी क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर भी उतने ही कार्बन होते हैं, राइट। तो ये फर्स्ट टेस्ट, अगर हमारा इमीडिएट ऑक्सीडेशन होता है और यहां पर एल्डिहाइड एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम उतने ही होते हैं जितने की हमारे प्राइमरी अल्कोहल के अंदर होते हैं या अल्कोहल के अंदर होते हैं, तो ये कंफर्म करता है कि दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। नाउ द सेकेंड वन, सेकेंडरी अल्कोहल। बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के उतने ही संख्या वाला कीटोन बनाता है। देखो बेटा यहां पर तो क्या है, उतनी ही संख्या वाला कीटोन, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, लेकिन इस कीटोन का मुश्किल से, कठिनाई से ऑक्सीडेशन होता है। और जब इसका ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, तो यहां पर जितने कार्बन वाला हमारा अल्कोहल था, सेकेंडरी अल्कोहल था, उससे कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का मिश्रण प्राप्त होता है, राइट। तो देखो बेटा यहां पर हम देखते क्या है कि सेकेंडरी अल्कोहल, मैंने यहां पर कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं लिया है, R लगा दिया है यहां पर, R एंड R डैश। इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं
बच्चों ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय टू कार्बन एटम, देन द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। लेकिन यहां पर कीटोन क्या होता है, उतने ही कार्बन वाला होता है जितने कार्बन वाला यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल होता है। और जब इस कीटोन का हम फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहां पर इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ आर सी ओ ओ एच एंड आर डैश सी ओ ओ एच आर डैश सी यू नो। तो बच्चों हमारे पास यहां पर क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मिश्रण मिलता है इसके अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या, हमने जो हमारा एल्कोहल लिया था सेकेंडरी एल्कोहल उससे कम होती है राइट। तो ये बच्चों होता है सेकेंडरी एल्कोहल राइट। नाउ इन द टर्शियरी एल्कोहल, देखो बेटा टर्शियरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन के लिए रजिस्ट करते हैं, इनका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। तो मैंने यहां लिखा है कि टर्शियरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है राइट, ये ऑक्सीडेशन को रजिस्ट करते हैं। नाउ उदासीन या क्षारीय माध्यम में ये ऑक्सीडेशन सी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर अगर हम टर्शियरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन न्यूट्रल और एल्कलाइन बेसिक मीडियम में करते हैं तो ये ऑक्सीडेशन बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं यू नो एसिडिक माध्यम में, और एसिडिक माध्यम में यहां पर लेते हैं एसिडिक पोटेशियम डायटोमेट, ये नाम लिखा नहीं मैंने, दिस इज द वी आर टेकिंग हियर एसिडिक पोटेशियम डायटोमेट अम्लीय माध्यम में ऑक्सीडाइज होकर के कम कार्बन वाला कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का मिश्रण बनता है। तो बच्चों यहां पर ये दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय थ्री एल्काइल ग्रुप, थ्री कार्बन एटम राइट। ये बच्चों यहां से इस जगह से इस बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ कीटोन आर सी आर डैश डबल बॉन्ड को, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। और बच्चों इससे क्या बनेगा, आर इस सी एच टू से सी ओ एच, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड राइट। तो ये टर्शियरी एल्कोहल हम देखते हैं कि तृतीयक एल्कोहल ऑक्सीकरण का विरोध करते हैं, या फिर हम कहें कि टर्शियरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कठिनाई से होता है, और ये ऑक्सीडेशन उदासीन माध्यम में या फिर बेसिक माध्यम में बिल्कुल नहीं होता। जबकि एसिडिक पोटेशियम डायटोमेट से जब हम टर्शियरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहां पर कम कार्बन वाला कीटोन फॉर्मेशन होता है और कम कार्बन वाला यहां पर बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर बनता है। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन टेस्ट राइट। इसमें एक टेस्ट और बाकी है, वो मैं अपने 15th लेक्चर के अंदर उसको बताऊंगा। बच्चों मुझे उम्मीद है कि मेरी कोशिश है कि मैं इस COVID-19 के टाइम में जब सब बच्चे अपने घरों में बैठे हुए हैं तो मैं आप तक मेरे कॉलेज के YouTube लिंक CCE राज आर्यन रुइया के माध्यम से आप तक जितना मैं केमिस्ट्री का पेपर मैं आपको बता सकूं, जितना मैं आपको समझा सकूं, ये मेरे लिए एक उपलब्धि होगी। तो ये मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फेक्शन की बात होगी। सो थैंक यू वेरी मच।